नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सिर्फ 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के ऋण मंजूरी पोर्टल सहित कई उपायों की घोषणा की। कंपनी नियमों के बेहतर अनुपालन से कारोबार करना आसान बनाने के लिए कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018 लागू। देश के 1,20,00,000 से अधिक अंशदाता अटल पेंशन योजना में शामिल। मिजोरम में कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट ने विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन ने सऊदी अरब सरकार पर पत्रकार जमाल खाशिकजी की हत्या में सीधे शामिल होने का आरोप लगाया। जर्मनी में सारलोरलक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत के शुभंकर डे का मुकाबला चीन के पेंगुरेन से। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें सिर्फ 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की मंजूरी सहित कई अन्य उपाय शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र रोजगार सृजित करने वाला प्रमुख क्षेत्र है और देश के समग्र विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कल नई दिल्ली में इस क्षेत्र के लिए सरकार की समर्थन और संपर्क पहल का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अब कुल खरीद का 25% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से करना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ये जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज द्वारा खरीद की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, इसमें से कुल खरीद का 3% महिला उद्यमों के लिए आरक्षित हो। यानी सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3% महिला उद्यमकारों से ही खरीदें। ये फैसला देश में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को और मजबूत करेगा। श्री मोदी ने कहा कि सभी केंद्र सरकार की कंपनियों के लिए सरकार के खरीद पोर्टल ई मार्केट प्लेस GEM में अंशदान जरूरी होगा। अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GEM की सदस्यता लेना जरूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वो अपने सभी वेंडर्स MSMEs को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगे, जिससे इनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री के इन उपायों का स्वागत किया है। उद्योग संगठनों ने कहा है कि इससे इस क्षेत्र के लिए ऋण मिलने में आसानी होगी और इनकी समस्याएं दूर की जा सकेंगी। एसोचैम के महासचिव उदय कुमार वर्मा ने कहा कि ये उपाय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र को नई ऊर्जा देंगे। उन्होंने इसे दीपावली का उपहार बताया। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सिर्फ 59 मिनट में सैद्धांतिक रूप से ऋण मंजूरी की घोषणा से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता उजागर होती है और इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ ने कहा है कि ब्याज पर सब्सिडी 3% से बढ़ाकर 5% किए जाने से प्रतिस्पर्धी माहौल बनेगा तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के निर्यातकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने प्रधानमंत्री के फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विकास होगा। सरकार ने कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018 कल लागू कर दिया। इससे कंपनी नियमों के बेहतर अनुपालन के जरिए कारोबार आसान बनाने में मदद मिलेगी। ये अध्यादेश व्यापार संबंधी अपराधों के कंपनी अधिनियम 2013 की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश लागू करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को मंजूरी दी। अधिनियम के तहत मुख्य संशोधनों में 16 प्रकार के कंपनी अपराधों का निपटारा विशेष अदालतों के बदले स्थानीय तौर पर करना शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर श्री कोविंद पहले ज्ञान कुंभ का भी उद्घाटन करेंगे। 1,20,00,000 से अधिक लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ गए हैं।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 27 लाख से अधिक नए लोग इस योजना में शामिल हुए हैं। एक रिपोर्ट। अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन में बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सर्वाधिक योगदान दे रहे हैं। 18 से 40 वर्ष के आयु समूह वाला कोई भी भारतीय नागरिक उन बैंकों अथवा डाकघरों की शाखाओं के जरिए इस योजना से जुड़ सकता है जिसमें उसका बचत बैंक खाता है। 60 साल की उम्र से लाभार्थी को उनके योगदान के अनुसार प्रतिमाह 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ओडिशा के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसका उद्देश्य डिजिटल संपर्क बढ़ाकर प्रशासन को पारदर्शी और सहभागी बनाना है। पेश है हमारे कटक संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। ओडिशा में समाज के सभी क्षेत्रों के लोग आसानी से नकदी रहित लेनदेन का चयन कर रहे हैं और समय और पर्यावरण को बचाने के लिए डिजिटल मिशन में शामिल हो रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन खरीद और आधार आधारित लेनदेन गति प्राप्त कर रहा है। इस योजना के एक सलाहकार प्रतिम साहू का कहना है, जो डिजी लॉकर की व्यवस्था की है सरकार ने, वहाँ हम अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं रख सकते हैं और किसी भी स्थान पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो सोशल साइट पर अलग अलग विभागों के हाउस खुले हुए हैं, वहाँ ट्विटर में हम अगर ट्वीट करते हैं तो एक आदमी को भेजना नहीं पड़ रहा है एप्लीकेशन, ट्वीट करने से वहाँ विभाग उसको सेकंड कर रहा है और उस पर एक्शन ले रहा है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ने और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। आकाशवाणी कटक से तपन महाराणा के साथ मैं सत्यव्रत बहुरा। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मिजोरम में 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रचार अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ललथनवाला सहित सत्ताधारी कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 6 महिलाओं सहित 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सत्ताधारी कांग्रेस ने 36 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जबकि मुख्य विपक्षी दल MNF ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। 72 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। नामांकन पत्र 5 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव आयोग छत्तीसगढ़ में नौकरी पेशा मतदाताओं के लिए ई पोस्टल के जरिए मतदान करने की सुविधा पहली बार उपलब्ध करा रहा है। विधानसभा चुनाव में सभी पंजीकृत सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे गए हैं। सेवा मतदाता इन डाक मतपत्रों को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। इसके बाद डाक मतपत्र पर अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम के आगे चिन्ह बनाकर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को डाक द्वारा भेज सकेंगे। इससे मतपत्रों को भेजने में होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा। प्रथम चरण के तहत ई डाक मतपत्र डाउनलोड करने का आज अंतिम दिन है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार से सम्मानित करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने कहा है कि सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशक्जी की हत्या का आदेश सऊदी सरकार के सर्वोच्च स्तर से आया था। उन्होंने कहा कि इसकी साजिश करने वालों को सामने लाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। श्री एर्दोगान ने द वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खाशक्जी की हत्या के जिम्मेदार लोगों की पहचान उजागर करनी चाहिए। भारत के शुभंकर डे जर्मनी के सार्लोर्लक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चीन के पेंगोरेन से होगा। क्वार्टर फाइनल में शुभंकर ने इंग्लैंड के टॉबी पेंची को 21-16, 21-9 से हराया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में पी कश्यप को फ्रांस के टोमा जूनियर से हार का सामना करना पड़ा। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.nair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन। लघु उद्योगों को घंटे भर में मिलेगा 1 करोड़ रुपए का कर्ज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान ने इसे छोटे कारोबारियों को दिवाली का तोहफा बताया है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, कर्ज के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से मिलेगी तमाम झंझटों से मुक्ति। दैनिक जागरण की खबर है, बगैर लाइसेंस कारोबार तो सील होंगे, उच्चतम न्यायालय ने 48 घंटों में कार्रवाई के दिए निर्देश।
अमर उजाला ने शीर्ष न्यायालय के इस वक्तव्य को दिया है, हर अध्यादेश संविधान से छल नहीं होता, तीन तलाक पर अध्यादेश के खिलाफ अदालत ने सुनवाई से इनकार किया। जनसत्ता ने प्रधान न्यायाधीश के इस बयान को प्रमुखता से दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अब हिन्दी में भी अनुवाद होगा। पत्र ने उनके इस विचार को भी दिया है कि फैसलों को संक्षिप्त कर हिंदी तथा अन्य भाषाओं में एक या दो पन्नों में जारी किया जाएगा ताकि आम लोगों को समझ में आ जाए। रुपया 100 पैसे मजबूत, 5 साल में सबसे बड़ी उछाल, राजस्थान पत्रिका सहित लगभग सभी अखबारों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सिर्फ 59 मिनट में 1 करोड़ रूपये तक के ऋण मंजूरी पोर्टल सहित कई उपायों की घोषणा की है। कंपनी नियमों के बेहतर अनुपालन से कारोबार करना और आसान बनाने के लिए कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018 लागू हो गया है। देश के 1,20,00,000 से अधिक अंशदाता अटल पेंशन योजना से जुड़ गए हैं। मिजोरम में कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट ने विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने पत्रकार जमाल खाशक्ती की हत्या में सऊदी अरब सरकार के सीधे शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।